हेलो गाइस, वेलकम बैक मेरे यूट्यूब चैनल में। हाईटेक सफर में आपका स्वागत है और आज हम नैनीताल के पार्ट थ्री में हैं। आज हम जा रहे हैं मुक्तेश्वर। जी हाँ, मुक्तेश्वर हम जा रहे हैं। अपनी गाड़ी में बैठ चुके हैं और हम जा रहे हैं द वर्ल्ड फेमस भालूगढ़ वाटरफॉल। जी हाँ, हमें बताया गया कि बहुत ही मज़ा आने वाला है। रास्ते आपको हम दिखाते हुए चल रहे हैं, पहाड़ों के बीच रास्ते हैं, बहुत ही प्यारे हैं। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो जैसे ही हम आपको गेट में पहुंचेंगे तो नज़ारे दिखाएंगे पूरी अच्छी तरीके से आपको बताएंगे। अब हम पहुंचने वाले हैं तो देखिए, जी हाँ, ये आपने व्यू पहले कभी नहीं देखा होगा। इतना प्यारा दर्शक व्यू है और ये हम खड़े हैं भालूगढ़ वाटरफॉल के गेट पर। जी हाँ, ये गेट है, एंट्री यहीं से होती है। और मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर आपकी आइडेंटिटी लगती है। जी हाँ, पर पर्सन 50 रुपये टिकट है। यहाँ हमने टिकट ले चुके हैं, 5 जने थे, 1 जने का टिकट 50 रुपये है। और एक बैड लक हमारे लिए ये है कि यहाँ पे पहले से इन्होंने पोस्टर पे लिख रखा है कि अंदर जाके पानी जो है वाटरफॉल में अभी कम आ रहा है। अब देखते हैं कितना कम आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है, वो तो आगे जाके पता चलेगा। हम आपको बताते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। बट मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ बता दूँ, यहाँ से वाटरफॉल की जो दूरी है 1200 मीटर आपको पैदल चल के ट्रैकिंग करनी पड़ेगी। जी हाँ, चढ़ाई करनी पड़ेगी, उतराई करनी पड़ेगी, जो भी है आगे जाके दिखाते रहेंगे हम आपको। और ये देखते रहिए, हम थक चुके हैं पहले से ही, एक्साइटमेंट है। आप देखते हैं कितनी एक्साइटमेंट बनी रहेगी, कब तक बनी रहेगी, हम आपको दिखाते रहेंगे। बट 1200 मीटर आपको पहले चलना पड़ेगा जिस लिए आप आए हैं, तो बने रहें, हम आपके एक्साइटमेंट को कम नहीं होने देंगे। कुछ ना कुछ नज़ारे आप देखिए ना, कितने प्यारे नज़ारे हैं। आप इतनी दूर से खर्चा करके आए हैं तो आपको थोड़ा बहुत तो तकलीफ लेनी पड़ेगी। जी हाँ, जी हाँ, कुछ लोग थक गए हैं तो बैग एक्सचेंज हो गया है। मैंने बैग ले लिया है जिसमें हमारा सारा सामान है, चेंज करना है जो नहा धोने के बाद। और ट्रैकिंग थोड़ा लंबी है, 1200 मीटर मतलब 1 किलोमीटर और 200 मीटर। तो अभी हम कुछ नहीं चले, अभी हमारी स्टार्टिंग है। और थक गए हैं क्योंकि चढ़ाई है और गर्मी थी, मौसम अच्छा है पर थोड़ा गर्मी में पैदल चलने में थोड़ा सा हालत ख़राब हो ही जाती है। और अभी तक एक्साइटमेंट मुझ में तो बहुत बढ़ी हुई है, आप लोगों का पता नहीं, बहुत ही सुस्त होकर चल रहे हैं। बट मैं जिस जगह आया हूँ, जिस वजह से आया हूँ, मैं जब तक वो नहीं देखूँगा तो मेरी एक्साइटमेंट ख़त्म नहीं होगी। आगे के देखते मेरी ख़त्म होती है कि नहीं होती है, अभी तो बहुत है। तो फोन को ना लगे तो किसी को बताना था हम कहाँ हैं। यहाँ पे देखो, रास्ते में आपको बोरिंग नहीं मिलेगा, अगर आप खाना पीना तो हम खाना पीना भी खा सकते हैं। यहाँ पे खाए आराम से, खा पी के आगे जाइए। पब्लिक है, दिख रही है हमें, हम शाम को पहुँचे हैं सीधे। मौसम बहुत अच्छा है, हरियाली देख रहे हैं आप, कभी हम ऊपर चढ़ रहे हैं कभी हम नीचे उतर रहे हैं। ज़िंदगी के उतार चढ़ाव जैसे चलते रहते हैं वहीं चल जाएंगे। गिरने की इस वीडियो को ना ध्यान से देखें, बिल्कुल कुछ भी पार्ट स्किप ना करें, आपको बहुत मजा आने वाला है इस वीडियो में। जी हाँ, आपके लिए हमने जो वीडियो है थोड़ी फॉरवर्ड कर दी है, फास्ट फॉरवर्ड कर दी है, ताकि आपको एक्साइटमेंट जो है आपका वो ख़त्म ना हो और बोरिंग ना लगे कुछ भी। तो हम आपको दिखा रहे हैं धीरे धीरे, रास्ता हमने तो पूरा तय किया है, आपको हम जल्दी जल्दी दिखा रहे हैं ताकि आपको बोरिंग ना लगे कुछ भी। आप वीडियो को देखते रहे, आगे आपको इतना मज़ा आने वाला है जिसका तुम्हें इंतज़ार है, हमें इंतज़ार है, हम वो ज़रूर आपको दिखाने वाले हैं, आगे जाके मिलने वाला है। और ट्रैकिंग बहुत लगी है, कभी लाइट लाइट ऊपर नीचे, कभी ऊपर जा रहे हैं हम, कभी नीचे जा रहे हैं, कभी उतर रहे हैं, कभी चढ़ रहे हैं। देखिए, रास्ता बस सेफ है, कोई कच्चा नहीं है, कोई ऐसा नहीं है जहाँ पे आपको गिरने का इंसिडेंट होने का डर है। और सपोर्ट भी दे रखी है लेफ्ट साइड में, आप देख रहे हैं जैसा, आप उसको पकड़ के चल सकते हैं, पक्का रास्ता है।
कोई ऐसा नहीं है कि डर है, बच्चे भी जा सकते हैं, बड़े जा सकते हैं, आराम से मस्त। आज तो बहुत अच्छा था। और पहाड़ों के बीच में अगर आप इस तरीके से जाते हैं तो आपके एक्साइटमेंट खुद ही देखने लायक होती है। हाँ, 500 मीटर हुआ जी। हाँ दोस्तों, तो हम यहाँ पहुँचे हैं। कहाँ पहुँचे हैं अभी हम आपको दिखाने वाले हैं। लोकेशन देखिए आप, गाइस अगर किसी को खाने पीना है तो यहाँ पे कर सकते हैं। यार पानी कहीं भी नहीं दिख रहा है यार, मेरा ना एक्साइटमेंट कम होता जा रहा है। देखिए यहाँ पे बोर्ड का साइन है, यहाँ पे वाटरफॉल आगे है और यहाँ पे थोड़ी एक्साइटमेंट भी कम हुई। पर ये पानी है, पानी कम है, ये तो पानी है ही नहीं। हो गया, उन्होंने लिख रखा था कि पानी कम है, बट यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। और पानी के लिए हम इतनी दूर से आए हैं नहाने के लिए, यहाँ पत्थर देख रहे हैं यहाँ पे, बट ये है आप अपना ब्रेकफास्ट वगैरह कर सकते हैं, आप जो भी खाएं आराम से बैठ के। झरने पे पानी कम है, अगर पानी ज़्यादा होता तो आप झरने में बीच में पानी में बैठ के अपना ब्रेकफास्ट नाश्ता कर सकते थे। यहाँ पे इन्होंने इस तरीके से एक दिल के टाइप में भालूगढ़ वाटरफॉल का एक बना रखा है। आप यहाँ पे आइए, फ़ोटो खिंचवाइए, आपकी मेमोरेबल मोमेंट है, आपको कैप्चर करना चाहिए यार। बिल्कुल ही पानी की कम की वजह से पब्लिक थोड़ा सा अनएक्साइटमेंट लग रही है, बट जिसके लिए आए हैं हम उसका इंतज़ार तो करेंगे ही। पानी अभी हम नीचे उतर रहे थे, अब हम फिर ऊपर चढ़ रहे हैं। और उतार चढ़ाव जिंदगी की तरह यहाँ भी बहुत है, सीधा रास्ता कहीं नहीं है। गाइस बने रहिए, देखते रहिए, आपको दर्शन यहीं करा देंगे घर बैठे बैठे। हमारा बैड लक है कि पानी बहुत ही कम है, इतना टाइम होने के बाद भी हम पानी को ढूंढते ढूंढते आए और यहाँ पे भी पानी नहीं मिला। हमारे तीन साथी आगे जा रहे हैं, अब हम ही नीचे उतर रहे थे, अब हम ऊपर जा रहे हैं वापस। इसमें भी पानी नहीं है, देखो ये गाइस खाली पड़ा है। हमारी किस्मत सोचो, पानी इसमें होता तो कितना मज़ा आता, यहीं पर डुबकी मार लेते। जी हाँ, यहाँ पे भी ना आपको ब्रेकफास्ट खाने पीने का साधन तो बहुत अगर लगा रखे हैं। रास्ते रास्ते में बैठ के खाइए आराम से। मैगी पॉइंट इतने हैं कि पहाड़ों की मैगी तो आपको पता ही है कितनी फेमस होती है। खाने पीने में आपको ये नहीं है कि आपको खाने को नहीं मिलेगा, पीने को नहीं मिलेगा। पानी है, मैगी है, पकौड़े हैं, पेप्सी है, कोल्ड ड्रिंक है, सब कुछ मिलेगा। ये अपने आप में ऐसा है कि पता नहीं कितने टन का होगा ये। और फिर हम एक चढ़ाई दोबारा कर रहे हैं, सूखा सूखा पड़ा हुआ हर जगह, बिल्कुल थक चुके हैं, थोड़ी एक्साइटमेंट हमारे टाइम पे सूखा है। लोगों में इधर पानी होना चाहिए था गाइस, हम पानी इस रास्ते को छोटा करना चाहिए, लोगों के चलने की स्पीड से आपको पता लग रहा होगा कि लोग कितने थक चुके हैं, मतलब कुछ भी नहीं, बिल्कुल टायर्ड हो चुके हैं, बस एक ही इंतजार है कब आएंगे, कब पहुंचेंगे। देखिए हम भी थोड़े थक चुके हैं, पसीना भी आ रहा है, गर्मी का तो मौसम है ही वहाँ पे। पहाड़ों के बीच में आप देखिए कैसे रास्ता इन्होंने बना रखा है, प्रॉपर तरीके से एकदम टूरिज्म के लिए तैयार किया गया है। पहाड़ों के बीच में हरे भरे बाग बगीचे पेड़, ये नेचुरल है। यहाँ कोई पानी वानी सोचने वाली बात है कि यहाँ कोई पानी नहीं देने आता, जैसे पौधों में पेड़ों में पानी मिलता है, यहाँ नेचुरल है। बरसात के मौसम में आप इन्हें यहाँ पानी मिल जाता है और उसी की वजह से ये पेड़ इतने ग्रोथ करते हैं लाइफ टाइम तक। पानी बहुत ही कम नज़र आ रहा है, इसी की वजह यही वजह है जो कि हम लोग थोड़े से परेशान हैं। मैं भी बहुत परेशान हूँ इसी वजह से कि यार अगर पानी नहीं हुआ तो जिस वजह से हम यहाँ आए हैं नहाने की वजह से, मस्ती करने की वजह से, वो मस्ती कम हो जाएगी। और ये देखिए यहाँ से बच्चे, बहुत सारे बच्चे, आई थिंक ये स्कूल
या फिर हो सकता है काफी सारे लोग एक साथ उधर से आए हैं, जिस तरह आप कैंपेनिंग करके आए हैं, कितनी गर्मी नहीं लग रही है। अगर आपको दिखाएंगे क्या है, सर बच्चे नहा धो के आए हैं बातचीत करते हुए। बस जितना मुझे लग रहा है कि अब रास्ता ज़्यादा दूर नहीं होगा, बट होप सो, देखते हैं अभी कितना है। अभी आई थिंक हम 500-600 मीटर आए हैं, बस और चलना है। आपको नज़ारे ऐसे दिखाएंगे आपको, आप मजबूर हो जाएंगे यहाँ आने के लिए। जी हाँ, इस नज़ारे का मैं इसको देखिए ध्यान से, अच्छा व्यू है। ये कैंपेनिंग अच्छा है। अगर आप भालूगढ़ वाटरफॉल आते हैं डायरेक्ट, आप कहीं स्टे नहीं करना चाहते हैं होटल वगैरह में, तो आप कैंपेनिंग करें। जी हाँ, आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड में जो टेंट दिख रहे हैं, देखिए इतना ऊंचा पहाड़ के नीचे एकदम बहुत प्यारा व्यू है। यहाँ आप कैंपेनिंग कर सकते हैं, रहना, खाना पीना, बॉनफायर, बहुत ही मज़ा है। और यहाँ से अब देखते हैं हम कितनी दूरी है। अभी हमें किसी ने बताया है कि यहाँ से ऑलमोस्ट 200 मीटर और रहना होगा, ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ी सी दूर है। तो हम चले, इतना चल रहे हैं तो थोड़ा सा और इंतज़ार सही। और यहाँ पर खाने पीने का फुल इंतजाम है, ट्रैकिंग जो करते हैं उनके लिए बहुत ही है। देखिए यहाँ पर जब फुल पानी बहता है ना, तो यहाँ पर आप अपना टेबल लगाइए और पानी जब आपके खाते समय पैरों में से जाएगा ठंडा ठंडा, तो जो वो फील है ना, वो पहाड़ों के बीच में ही आपको मिल सकती है। और जो मज़ेदार चीज़ है वही है, कभी पानी कम है तो इसलिए लोग थोड़े से अनएक्साइटेड है। और मैं आपको बता दूं, जिसका हमें और है तुम्हें ता इंतजार, वो घड़ी आने वाली है। जी हाँ, जिसका हमें और तुम्हें बेसब्री से इंतज़ार है उस चीज़ को देखने के लिए, और ऑलमोस्ट हम पहुंच चुके हैं। जी हाँ, ये जो टर्न है ये वहीं के लिए टर्न जा रहा है, और जिसके लिए हम लोग इंतज़ार करें। जी हाँ, ये लास्ट पुल हमें क्रॉस करना है, और हम पहुंच चुके हैं फाइनली भालूगढ़ वाटरफॉल। जी हाँ, देखिए यहाँ लोगों की भीड़ आपको दिख रही है, और यहाँ लाइफ जैकेट जिसने यूज़ किया यहाँ पर डाल दी सुखाने के लिए, और अब आपको लाइव देखते रहेंगे, देखते रहिए, मज़ा आएगा। एक घंटे रह गया, मतलब ये बंद भी होता है। इसी की बात हम कर रहे थे, क्या नेचर ऑफ ब्यूटी है। ये 40 फीट गहरा है, अगर आपको आगे नीचे जाना है तो मैं आगे जाऊंगा, आगे 40 फीट में सिक्योरिटी पहनना जरूरी है। तो सिक्योरिटी पहनना जरूरी है, तो आप ध्यान से लगे, अगर यहाँ जाने में कोई दिक्कत नहीं है। वो अपने आप आएगा, अपने आप जाओ जाओ जाओ, नहीं जाना है आगे, बता रही हूँ। फोन रखो जी, मैं रख दो ये प्रिया, ये भी ऐसे ही रख दो ऊपर बैग पे। Hey
इनको बोलो आगे ना जाए प्लीज। यार ये सुनते नहीं है ना तो हमें बहुत गुस्सा लगती है, बता रही हूँ। नहीं मत जाओ प्लीज, यहीं पे रहो और रस्सी पकड़ के। मछली है ये, देखो देखो मछली है। हाँ ध्यान से देखो।
ध्यान से देखो, बहुत सारा है वो, देखो बहुत सारी है। तुम पहले से जाओ जाओ जाओ, तुम अपने फोन से बना दो वीडियो। मुझे वहां तक नहीं 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 कैसे तैरना देगू, ले जाएगा, अरे ले जानी। ट्राई मार रहे हैं, पे ट्रेनिंग हो रही है, ट्रेनिंग क्लासेस। ये
देखो खुद में जा रहे हैं। देखो उसको जाओ ऐसे करके। गाइस यहाँ आ चुके वाटरफॉल में, देखिए कितना बेहतरीन नजारा है, मजा आ गया मजा। गाइस देखिए कितना ठंडा पानी यहाँ का। हम इसको देखने आए थे और फाइनली हमने देख लिया। देखिए फोन तो रख दो यार, अब वीडियो बाद में बनाने जाते वक्त देखो। हाँ करो चलो, ए हट जाओ थोड़ा, हट जाओ ए लड़के। मैं जा रहा हूँ, ठीक है जा रहा हूँ। अपना फोन रखती है। अबे ओए लाओ मैं बनाऊं, तुम लोगों तुम पीरो करो।
ऐसा करके डुबाओ ऐसे करके जाओ पत्थर है आराम से तो ना आओ हम उसे करेंगे आप थोड़ी देर में बाहर निकाल देंगे बंद होने वाला है और गाइस अब हम घर की तरफ जा रहे हैं तो वीडियो आपको कैसी लगी अच्छी लगी और एंजॉय हुआ होगा प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें और सपोर्ट करें और बने रहें वीडियो में।